सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टैक। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पोको M3 के बारे में, और बात करेंगे कि ये जो फोन है किस सेगमेंट के लिए ज्यादा बेटर है, क्या आपको इसे खरीदना चाहिए, क्या ये कैमरा सेंट्रिक पर्सन के लिए ठीक रहेगा या फिर क्या ये गेमर के लिए ठीक रहेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक्स की। तो लुक वाइज तो अगर मुझे इसे नंबर देने हो तो मेरे ख्याल से 10 out of 9 दे ही दूंगा मैं, या फिर 10 भी दे दूंगा, क्योंकि लुक वाइज तो ये फोन बहुत तगड़ा लगता है। अगर हम इसकी बैक को देखें तो जो बैक इसकी बेशक प्लास्टिक की है, पर जो फिनिशिंग दी गई है आपको दूर से देखकर ऐसा लगेगा जब तक आप इसे टच नहीं करते कि ये लेदर है। और अगर बात करें बाकी इसके फ्रंट वगैरह डिजाइन, मेरे को सारी ओवरऑल जो डिजाइन लगा वो अच्छा लगा। और जो बैक का डिजाइन है, खासकर जो कैमरे का डिजाइन है, आपने जो फोन आया था साइबर पंक एडिशन उसको देखा होगा, ये मेरे को लगता है उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर है। और जो यहाँ पर पोको की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग दी गई है, ये सब चीजें तो वैसे तो बिल्कुल उसके जैसा ही लगता है, साइबर पंक एडिशन जैसा ही लगता है, पर ये उसका एक सस्ता वर्जन कह सकते हो आप। अगर बात करें इसके अंदर प्रोसेसर की, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 662। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसमें आपको जो क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगी वो मिलेगी अप टू 2.0 GHz। और अगर इसके GPU की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एड्रिनो का 610 GPU, और AI जो है इसके अंदर वो है थर्ड जनरेशन क्वालकॉम AI इंजन। तो और अगर बात करें इसकी स्टोरेज और रैम वेरियंट की, तो इसके अंदर आपको 4GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है विद LPDDR4X रैम प्लस UFS 2.2, और जो कि एक अच्छी बात है, जहां पर आपको UFS 2.2 वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आजकल आपको नॉर्मल फोन में भी देखने को मिल रही है। और अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो इस फोन का प्राइस आता है 11,000 रुपये, जो कि इस सेगमेंट में आप ये कह सकते हो इसको एक बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर बनाता है, या फिर बहुत सारे फोनों के ऊपर इसे एज भी प्रोवाइड कराता है। और बाकी सारे अगर बेसिक फीचर की बात करें और सेंसर वगैरह की बात करें तो वो सब इसमें आपको देखने को मिल रही है, जैसे फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, फेस अनलॉक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी मिलेंगी। और अगर बात करें इसके बैटरी की, तो इसके अंदर आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद टाइप सी चार्जर, और 18W की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। और इसमें जो इनबॉक्स आपको चार्जर देखने को मिलता है वो है 22.5W का फास्ट चार्जर, इसको बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर हम बात करें इसकी स्क्रीन की, तो यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर प्रोटेक्शन दी गई है वो है गोरिल्ला ग्लास 3, और जो स्क्रीन साइज है वो है 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको डॉट डिस्प्ले भी देखने को मिलने वाली है, यानी पंचुअल डिस्प्ले होगी, डॉट डिस्प्ले जो भी बोलना है आप वो बोल सकते हो। और यहाँ पर TUV की तरफ से प्रोटेक्शन भी देखने को मिलने वाली है, यानी जो आपका रीडिंग मोड है वो थोड़ा एनहांस होगा, वहाँ पर ब्लू लाइट फिल्टर वगैरह इसका एक अपग्रेडेड वर्जन होगा। और आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर आपको MIUI 12 देखने को मिलेगी, और एंड्रॉइड 10 के ऊपर ये बेस्ड होगा, और साथ ही साथ क्योंकि ये पोको का फोन है तो इसके अंदर पोको लॉन्चर तो आता ही है। और अगर आप बात करें इसके कैमरे की, तो जो कि इसका मेन हाईलाइट है, जिस हिसाब से आप इन्हें पीछे इन्होंने करा भी है, पूरा एक कैमरे पे अलग से फोकस है वहां पर। तो अगर कैमरे की बात करें तो बैक में यहाँ पर आपको 48MP का प्राइमरी कैमरा, और फिर उसके बाद जो दो कैमरे आपको देखने को मिलेंगे वो है 2MP का डेप्थ कैमरा और 2MP का माइक्रो लेंस, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब ये कैमरे वाली गेम करते हैं, सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए 2MP वहां पर ऐड कर दिया जाता है। और अगर बात करें यहाँ पर फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका 8MP का। तो ये होगी फोन का ओवरऑल, हर चीज हमने बताई दी है, लगभग हर चीज हमने कवर कर ही है। और हाँ, एक चीज रह गई, अगर हम बात करें इसमें सिम की, तो ड्यूअल सिम है ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पर एक्सटेंडेड माइक्रो एसडी कार्ड, यानी आप अलग से एक माइक्रो एसडी कार्ड यहाँ पर लगा सकते हो अप टू 512GB, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि एक बजट सेगमेंट का फोन है, और यहाँ पर अगर हम अलग से अपनी जो मेमोरी अगर उसे बढ़ा सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है। और अगर आप बात करें कि ये फोन किस सेगमेंट के लिए बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से कैमरा सेंट्रिक फोन तो ये उतना नहीं रहेगा, क्योंकि कैमरा, क्योंकि यहाँ पर बाकी तो दो कैमरे तो बेकार ही है, और प्लस बस एक कैमरा रह जाता है 48MP का, और उसके बाद यहाँ पर डिपेंड करता है कि पोस्ट प्रोसेसिंग कैसी है। पर अगर हम बात करें गेमिंग वगैरह की, तो मिड रेंज के हिसाब से आपकी लो सेटिंग के या मीडियम सेटिंग के अंदर ये इजीली कोई भी आपको पबजी वगैरह अगर आ जाती है, अनबैन हो जाती है, तो पबजी वगैरह आप आराम से खेल पाओगे, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं होने वाली। सो दैट इज गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।